अस्सलाम वालेकुम, हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्नाटका व्लॉग और फलकनास किचन में आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज है थर्सडे और मैं आपको हेल्दी रेसिपी देने वाली हूँ। ये है मोट, आप सब लोग क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। मैंने इसको ना यहाँ पर भगोना लिया है और उसे दो से डेढ़ चम्मच यहाँ पे मैंने तेल डाला है। मैंने यहाँ पे हींग, जीरा, राय और एक बड़ी सी लाल मिर्च डाला है। इसे अच्छे से हल्का तड़का लगाऊंगी मैं। डिफरेंस में मैंने डाला है 4 से 5 लहसुन, जिसे मैंने बारीक कट किया है। उसे अच्छे से लो फ्लेम पे तड़का लगा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद डालूँगी करिया लीफ, उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्च का पेस्ट। इस तरह से करके मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। यहाँ पे फिर डालूँगी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। इसे हल्के हाथों हिलाऊँगी, लो फ्लेम पे कीजिएगा वरना जल जाएंगे जो मसाले हैं। उसके बाद आप जो है इसे इसमें ऐड कीजिए जो मोट मैंने भिगोए थे। इसको वेडनेसडे ही मैंने सुबह मॉर्निंग भिगो दिया था और रात में इसको मैंने पोटली बांध कर रखा, तो इस तरह से अंकुरत फूटे हैं। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे आप बच्चों को भी खिलाइएगा। बच्चे तो खाते नहीं ले वैसे, फिर भी आप ट्राई कीजिए, प्लेट में डाल के उनको दे दीजिएगा, खा लेंगे। उसमें थोड़ा सा इसे गलने के लिए 1/2 कप पानी डाला है मैंने। उसके बाद इसे ढक कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए, होप ये गल जाए। देखिए इस तरह से वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। आयल को मैंने पराठा भिजा दिया है स्कूल में टिफ़िन के लिए, लेकिन ये मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी दिख रहा है, उसके बाद मैं इसके ऊपर से डालूँगी ग्रीन हरा धनिया और लो फ्लेम पर इसे दम पे रख दूँगी प्लेट ढककर। तब तक ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे, पानी भी सूख जाएगा और अच्छे से खुशबू आने लगी है। डिफरेंस बहुत सेट है इसमें। एक्चुअली सब लोग ना इसमें ज्वार की रोटी बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चपाती बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज्वारी की रोटी पसंद नहीं है। डिफरेंस हस्बैंड को क्या, ससुराल में कोई भी ज्वारी की रोटी खाता नहीं है, उनको पता ही नहीं कि ज्वारी की रोटी होती क्या है, तो इस तरह से है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। इसमें ना ज्वार की रोटी ही सब लोग खाते हैं, यही सही है, लेकिन क्या करें, वो लोग खाते नहीं तो क्या कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद चाय पी रही हूँ, हस्बैंड को भी दे चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही यम रेसिपी देने वाली हूँ, होप आपको पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने लिया है खोपरा, जिसको लाइटली भून लिया है। मुट्ठी भर मैंने यहाँ पे ग्रीन हरा धनिया, 3 हरी मिर्च जो तेज़ हैं 3 लिए हैं। उसके बाद एक बड़ा सा टमाटर कट किया है मैंने और अदरक लहसुन लिया है। अदरक 3 से 4 छोटे भाग छोटे टुकड़े लिए हैं और 10 से 11 लहसुन लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, उसमें तेल डाला है 4 स्पून। उसके बाद मैंने जो है तेज़ मसाले होते हैं वो डाला है, शाहजीरा, लौंग, तेज़पत्ता और काली मिर्च। उसके बाद प्याज डालकर इन्हें अच्छे से भून रही हूँ मैं तेल में। यहाँ पे अच्छे से भूनना है मैं प्याज को ब्राउन करने से। बड़े बड़े भागों में आलू डाला, मटर डाला। एक्चुअली मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ मटर आलू मेथी का खुरमा है, होप आपको पसंद आएगा। सब लोग बनाते होंगे लेकिन सबका तरीका अलग होता है डियर फ्रेंड्स, ये मेरा तरीका है। प्लीज़ इसे तेल में अच्छे से भूनिएगा। उसके बाद जो पेस्ट बनाया था ना मैंने, वो सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद डाला है हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये जो रूटीन के मसाले हैं वो रूटीन के मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद इसे अच्छे से भूनूंगी मैं। इतना अच्छा चटपटा सा लग जाए मसाला, खुशबू आने लगे, तब तक इसे अच्छे से हल्के हाथों लो फ्लेम पे भून लीजिएगा। डिफरेंस खोपरा ये जो भी चीज़ें हैं ना उससे तेल निकलने आएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो फिर भून अच्छे से भून कर इसमें पानी ना डालिए, इसमें थोड़ा सा वो जो मसाले का पानी था वो मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने पीसा था। उसके बाद इसे अच्छे से भूनूँगी 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए। सबका तरीका अलग होता है, मेरा तरीका आपको मैं बता रही हूँ, होप आपको पसंद आएगा डियर फ्रेंड्स। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अच्छे से हिलाने के बाद 1 से 1/2 कप मैंने यहाँ पे दही फेट कर लिया है। फेट कर लिए, दही को ऐड करते वक्त ना लो फ्लेम रखें वरना दही फट जाएगा। तो याद रखिए कभी भी दही ऐड करो तो आप लो फ्लेम कर दीजिए। इस तरह से मसाले में तेल निकलने लगा है, इसे अच्छे से भूना है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर कसूरी मेथी 2 स्पून डाले हैं, इसे अच्छे से भूनूँगी मैं। बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत आलू और मटर ना बहुत सॉफ्ट हो गए हैं पहले से ही तेल में। तो उसके बाद मैं डालूंगी 1 कप पानी। यहाँ पे जितनी ग्रेवी चाहिए इस स्टेज पर आप बना लीजिएगा, मुझे सिर्फ 1 कप मैंने डाला है क्योंकि मुझे इतनी ग्रेवी इनफ है। तो इस तरह से दूसरी साइड मैंने यहाँ पे रखा है कढ़ाई, इसमें 1 स्पून मैंने तेल डाला है। उसके बाद डालूँगी मेथी, जिसको मैंने
इस तरह से धो लिया था। हाफ कप मेथी मैंने यहाँ पे लिया है, इसे अच्छे से चटचटाऊंगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा डिफरेंस। इस तरह से आप अलग से एक कढ़ाई में इसे ना अच्छे से इस तरह भून लीजिए, चटचटाएंगे, थोड़ा तेल भी उछलेगा। केयरफुल से आप इसे चटचटाइए और इसका जब कलर चेंज हो जाए कम्प्लीटली तो ये डन है। इसके बाद जो डायरेक्टली इसे उठा कर ना आप वो जो ग्रेवी बनाए हो खुरमे का उस ग्रेवी में डाल दीजिएगा सारी, और जो तेल है वो भी डाल दीजिएगा इसमें। बहुत अच्छी खुशबू आएगी और वह आपका जो खुरमा है ना वो बहुत लाजवाब हो जाएगा। आप इसे पुलाव में, बगैर खाने में, या फिर ज़ीरा राइस में, या फिर प्लेन वाइट राइस में भी आप इसे सर्व कर सकते हो। ये खुरमा है, होप इसमें चपाती पराठा भी आप बना सकते हो, टिफ़िन बॉक्स में भी कैरी कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, ये इतनी ग्रेवी मेरे लिए इनफ है, मैं और पानी नहीं डालूंगी। तो आप अगर आपको पानी डाल के ग्रेवी बनाना है तो यहाँ पे भी आप हाफ कप डाल दीजिएगा। उसके बाद इसे कुकर लगा दूंगी एक सीटी, क्योंकि ऑलरेडी मटर और आलू मेरे न अच्छे से भून चुके थे, तो एक से दो सीटी मैं यहाँ पर लगा लूँगी। उसके बाद मैं गई थी आहिल को पिकअप करने के लिए स्कूल, बहुत बारिश में भीग कर आई हूँ। देखिए कितना कच्चा हो गया, कितना बारिश आया था। आहिल को प्रोटेक्टली लेकर आई मैं, लेकिन मैं भीग गई। तो आहिल ना सुबह से ही टोपी सूटर के साथ गया था, क्योंकि मॉर्निंग बहुत बारिश थी थर्सडे भी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, इतने आहिल को मैं लंच करवाने के लिए आई तो इस तरह से मेरा खुरमा रेडी हो गया है। तो इसके बाद जो है मैं इसे अच्छे से करके हिला के आहिल को खिला दूँगी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे मैंने जो है सुबह में मोट जो बनाई थी वो भी ले ली है। ये खुरमा है, एक जलेबी का टुकड़ा और अचार, ये मेरा आज का लंच की थाली है। होप आपको पसंद आएगा खुरमा, और ये जो है मोट की दाल की रेसिपी आपको पसंद आई होगी डियर फ्रेंड्स। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। उसके बाद आहिल यहाँ पे खेल रहा था, मैं खा रही हूँ, आहिल यहाँ पे खेल रहा है बिना डिस्टर्ब किए हुए। वो थोड़ी देर खेलता है, सताता नहीं है मुझे, बस क्या है ना यहाँ वहाँ गाड़ियाँ वो सब डाल देता है, फिर से मुझे उठाना पड़ता है। ये सारा काम बच्चे करते हैं जब स्कूल ऑफ हो, तो वो इस तरह करता है। उसके खेलने के बाद मैं उसे सुला दूंगी, और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी डियर फ्रेंड्स, बहुत थक गई थी मैं। उसके बाद मैं शाम में चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए। बारिश अभी भी आ रहा है, बिजली भी चली गई है, तो मेरा कुछ खाने को मन कर रहा था, तो मैंने जो चूड़वा बनाया था, जो स्टॉक रखा था स्टॉक करके, वही मैं और हस्बैंड खा रहे हैं यहाँ पे। अचानक से मुझे आई चक्कर, पता नहीं दो दिन से चक्कर आई थी, मैं गिर गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने चक्कर आया तो मेरा शुगर जो है लो हो गया है बिल्कुल, तो इसलिए मेरे हस्बैंड अर्जेंटली ना जलेबी लेकर आए मुझे खाने के लिए। सबका उल्टा है, मेरा उल्टा है, सबको शुगर होता है तो मीठा नहीं खाते हैं, मेरा ऐसा है कि शुगर लो हो जाता है तो मुझे मीठा खाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि मैं रेगुलर लाइफ में जो भी मेरे रूटीन है उसमें मीठा मैं नहीं खाती हूँ डियर फ्रेंड, जिससे शुगर का जो लेवल है वो डल हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जिससे मुझे चक्कर आने लगती है। तो मैंने कुछ और ही सोचा चक्कर का, लेकिन तो असल में ना मुझे शुगर लो हो गया था, तो मुझे जलेबी खानी पड़ी अर्जेंटली। तो इस तरह से है, तो प्लीज़ छोटा सा व्लॉग डाला है, फिर मिलती है, अल्लाह हाफिज़ बाय।